योचना का स्त्री पक्ष नामक हिंदी संस्करण सुजाता का लिखित किंडल संस्करण है। आलोचना का स्त्री पक्ष सुजाता को अस्मिता विमर्श की संश्लिष्ट धारा की प्रतिनिधि के रूप में सामने लाती है। वह गहन शोध द्वारा इतिहास के विस्मृत पन्नों से दमित अभिव्यक्तियों की निशानदेही करती है और समकालीन सृजन की बारीक परख भी। सुजाता का जन्म 9 फरवरी 1978 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी कहानी में सीमांतीय अस्मिताओं के प्रश्न 1970 से 2000 तक विषय पर शोध कार्य किया है। वर्तमान में श्यामलाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापन करती हैं। उनका पहला काव्य संग्रह अनंतिम मौन के बीच भारतीय ज्ञानपीठ के नवलेखन पुरस्कार के तहत अनुशंसित होकर प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त नया ज्ञानोदय, पहल, तद्भव, हंस, सदानीरा, पाखी आदि प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं और वेब पत्रिकाओं में उनकी कविताएं और लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने आगाज पत्रिका के स्त्री विशेषांक मार्च 2015 का संपादन किया है। वैली ऑफ वर्ड्स इस हिंदी साहित्य सम्मेलन में जितने लोग बाहर से सुन रहे हैं उनका भी बहुत अभिनंदन करती हूँ और जो इस सभागार में मौजूद हैं उन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और अभी ये पुस्तक है आलोचना का स्त्री पक्ष और बहुत ही सलीके से, बहुत ही तैयारी से, बहुत ही मेहनत से इसे तैयार किया गया है। पद्धति, परंपरा और पाठ, इसके एक एक जो जिसको कहते हैं कैटेगरी जो है इसकी और जो शीर्षक है वो सभी बहुत कुछ हमें इसको, इस पुस्तक को पढ़ने के लिए विवश करते हैं। और बहुत कुछ कि कितना कुछ जो हमें इतने बरसों बरस जो है वो टीसता रहा है वो कहीं ना कहीं आपने इस पुस्तक में उठाया है। तो मैं सबसे पहले तो इसी पुस्तक से 2-3 अंश पढ़ती हूँ ताकि लोगों को समझ में आ सके कि आखिर ये जो पुस्तक है आलोचना का स्त्री पक्ष, पद्धति, परंपरा और पाठ, तो क्या है इसमें और किस तरह से ये विषय इसमें उठाए गए हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा तो ये है कि प्रश्न उत्तर के उस पे है। प्रश्न, नरक का मुख्य द्वार क्या है? उत्तर है स्त्री। शराब की भांति सम्मोहक कौन है? स्त्री। बुद्धिमानों में सर्वोत्तम कौन है? वह जो कि औरतों द्वारा छला नहीं गया है। पुरुषों के लिए बंधन क्या है? स्त्री। वह कौन सा जहर है जो अमृत की भांति प्रतीत होता है? स्त्री। इसी तरह ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जैसे एक यहाँ पर मनु भंडारी जी ने अपने उसमें लिखा है कि यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कहानी पत्रिका में छपी शुरू की 2 कहानियों के साथ मेरा चित्र नहीं छपा था और नाम स्पष्ट रूप से लिंग बोधक नहीं था। सो अधिकतर पत्र तो प्रिय भाई संबोधन से आए, खूब हंसी आई, पर एक संतोष भी हुआ कि यह प्रशंसा लड़की होने के नाते रियायती बिल्कुल नहीं है। उस समय इसका भी बड़ा चलन था, विशुद्ध कहानी की है। तो किस किस तरह से स्त्रियों को, यदि मैं ये कहूँ कि छला गया है तो कि आपके कई पत्र मुझे मिले, उत्तर ना देने की अपराधी अवश्य हूँ, किंतु मेरे पतिदेव को कविता और कल्पना लोग पसंद नहीं, इस कारण मैं इस क्षेत्र से बहुत पीछे हटाई हूँ। अपनी रचनाएं मैंने नष्ट कर दी हैं और यह भूल गई हूँ कि मैंने कभी कुछ लिखा था। आशा है आप मेरी इस उदासीनता को विवशता समझकर क्षमा करेंगे और कवित्रियों की सूची से मेरा नाम काट देंगे। तो कितने कितने दर्द, कितनी कितनी पीड़ा महिलाओं ने झेली है और उसके बावजूद निरंतर वो आगे लिख रही हैं, बढ़ रही हैं आगे।
और तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सुजाता जी, कि आपने इस दर्द को कब महसूस किया? क्योंकि कभी जब कोई बात बहुत भीतर तक लग जाती है, चुभ जाती है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, अब तो हमें ये ही करना है और इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर अपना जो है ना वो बुलंद करना है अपना नाम। तो आपको ये कब और कैसे महसूस हुआ कि हमें इस तरह की ये पुस्तक, क्योंकि ये बहुत मेहनत से तैयार की गई है, इसमें बहुत इतने संदर्भ हैं और इतना शोध है, ये पूरा एक शोध ग्रंथ है, तो कैसे और कब आपको ये महसूस हुआ, कितनी तैयारी में वक्त लगा, कितने वर्षों में ये किताब आ पाई थी, पहले तो ये बताइए। ममता जी, जिस दर्द की आपने बात की, वो दर्द निजी नहीं है, वो साझा दर्द है। इस दुनिया की तमाम उन महिलाओं का जिन्होंने अपना अपने कर्ता होने के भाव को सामने रखना चाहा, जिन्होंने ये बताना चाहा कि हम जो कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व को चाहा कि वो दुनिया में खड़ा कर पाएं, अपनी अपनी एक पहचान बना पाएं, उन सब महिलाओं का एक साझा दर्द है जो आपको इस किताब में झलकता हुआ दिखाई देगा। वो दर्द मुख्य नहीं है, वो दर्द पार्श्व में है, तो वो मेरा निजी नहीं है। लेकिन हाँ, हम सब स्त्रियाँ जो कुछ करने की ललक रखती हैं, जो ख़ासतौर से जो लेखन में हैं, उनके साथ ये होता है, या लेखन को भी दरकिनार कीजिए फिलहाल, जो भी अपनी ज़िंदगी में कोई फैसला लेती हैं, उन सबको ये कहा जाता है कि कोई इनको सिखा रहा होगा, कोई इन्हें पढ़ा रहा होगा, ये किससे सुन कर आई है, या इसको किसने समझाया या पट्टी पढ़ाई है। कभी ये स्वीकारा ही नहीं जाता कि ये खुद करता है, उसके अभिकर्तृत्व को, उसकी एजेंसी को स्वीकारा नहीं जाता। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लेखन में बहुत गहरे मुझे दिखाई दे रही थी, कि लेखन में ख़ास तौर से आलोचना, इसीलिए मैंने आलोचना को उठाया भी, कि जितना तमाम स्त्री लेखन है उसको जब आलोचना, हिंदी की आलोचना जब उसको देखती परखती है, तो उसी कर्ता भाव को नष्ट करने की कोशिश करती है। क्यों करती है वो? तो ये पहला सवाल था जो मेरे दिमाग में उठना शुरू हुआ। और किताब की तैयारी, जिस समय ये किताब लिखना मैंने शुरू किया, उसे 7-8 साल पहले ही दिमाग में ये किताब बनना शुरू हो चुकी थी। तो मैं जहाँ भी आलोचना की किताब उठाती थी, पढ़ती थी, उसमें से अंडरलाइन करती थी, नोट्स लेती थी, तब पता नहीं था कि मैं शायद इसको सामने ला पाऊंगी। और फिर किसी ने कहा था कि आप जो बात बार बार कहते हैं आलोचना पे, जो आप बार बार आक्षेप करते हैं हिंदी आलोचना पे, कि वो स्त्री लेखन को समझने के, मूल्यांकन के औजार नहीं है उसके पास, स्त्री लेखन को देखने की समझ नहीं है उसके पास, तो आप कैसे, तो मुझे प्रूव करना था, मुझे सिद्ध करना था, और न केवल इस बात को सिद्ध करना था, मुझे एक वैकल्पिक सैद्धांतिक पद्धति भी देनी थी। क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं प्रूव कर सकते हैं कि अभी तक जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, वो सही कैसे हो आपको ये भी बताना है। इसीलिए पद्धति, परंपरा और पाठ है कि कैसे स्त्रियों को जो साहित्य के जो कैनन बनते हैं, जो कैननाइजेशन किया जाता है, किसको किस खांचे में रखा जाए, उसमें खामियां हैं, उसको नए सिरे से देखना होगा, और कैसे हम नए सिरे से देख के कहां स्त्रियों को रखेंगे। तो मूल्यांकन की वो तमाम पद्धतियां जो हो सकती हैं, संभावित हैं वो, और तमाम खामियां जो अभी तक के लेंस में रही हैं, जिससे स्त्री लेखन को देखा जाता रहा, वो सारी चीज़ें मैंने संदर्भ सहित, उदाहरण सहित प्रस्तुत की हैं, और कोशिश की है अपनी तरफ से कि एक ऐसा खंड दूँ पाठ का जो अंतिम खंड है, कि इन्हीं पद्धतियों पर कैसे स्त्री लेखन को देखा जाना चाहिए या देखा जा सकता है, उसकी कुछ प्रस्तावित कुछ प्रस्तावना मैं दे सकूँ। जी, चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने एक साझा दर्द को महसूस किया और फिर इस तरह से आपने इस किताब की तैयारी की ओर आप बढ़ी। और ये भी सही है कि स्त्रियां जिस कोई भी काम करती हैं तो वो हमेशा एक प्रश्नाकुल निगाहों में रहती हैं और सभी की जो दृष्टियां हैं वो उनकी ओर लगी रहती हैं। और लेकिन अभी हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ये कितना सुखद है कि जो पुरुषों के नाम तो हम सिर्फ उंगलियों में गिना सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो बहुत एक लंबी फहरिश्त है। अभी हम ममता कालिया जी को सुन रहे थे, चित्रा मुद्गल जी हैं, सूर्य बाला जी हैं, चंद्रकांता जी हैं, सुधा अरोड़ा जी हैं, और ये बहुत सारे ऐसे जो नाम हैं, तो ये बहुत सुखद है। और इसकी नासना शर्मा जी हैं, मैत्रेयी पुष्पा जी का कल था यहाँ पर, और उसके बाद की पीढ़ी को भी देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारी महिलाएं लिख रही हैं और बहुत अच्छा लिख रही हैं। और लेकिन एक बात जो मैं देखती हूँ और जो पढ़ती हूँ, तो अक्सर जो होता है कि उनके जो लेखन को एक खास खांचे में जो है ना वो रख दिया जाता है, चाहे उनका लेखन कितना ही बृहत्तर समाज से
जुड़ा हो और चाहे वो कितनी एक बहुत बड़ी दृष्टि देता हो, समाज से जुड़ा हो, देश से जुड़ा हो, दुनिया से जुड़ा हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे अभी बात हो ही रही थी कि समलैंगिकता पर भी चित्रा मुद्गल जी का भी है उपन्यास, तो पहले इस तरह से विषय नहीं उठाए जाते थे और किस तरह से बताया उन्हें अभी ममता जी ने कि वो डरती थी, लेकिन आज की पीढ़ी जो है और उससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा लिखा जा चुका, फिर भी उसको एक स्त्री विमर्श का जो है वो दायरे में बांट दिया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे आलोचना? हाँ, किताब में तो इस पर मैंने विस्तार से बात की क्योंकि बहुत ज़रूरी पॉइंट है जहाँ आपने इंगित इशारा किया है। देखिए, असल में होता क्या है कि जो स्त्रीवाद है या स्त्री विमर्श है उसको हमेशा ही एक अपने आप में ही हमेशा एक खाँचे में रखा जाता है जी, अलग से देखा जाता है, जैसे आदमी या पुरुष ये एक जेनरिक टर्म की तरह देखा जाता है, जब आप स्त्री की बात करते हैं तो स्त्री होते ही वो एक बहुत छोटा दायरा बन जाता है और ये बार बार हमको सिखाया जाता है कि स्त्री एक छोटा दायरा है, फेमिनिज्म एक छोटा दायरा है, आदमी कहेंगे या पुरुष कहेंगे या वो जो बात कहेगा वो जेनरिक होगी, वो पूरी दुनिया की बात होगी, और जो स्त्री कहेगी वो तो सिर्फ एक छोटी सी दुनिया की बात होगी। तो मतलब अगर एक कवि कहे कि मैंने निज शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, तो ये मनुष्यता की पीड़ा बन जाती है। लेकिन जब एक स्त्री लिखती है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, जैसे अगर रघुवीर सहाई कहें कि मैं कुछ और करना चाहता था, उनकी कविता है, मैं जीवन में कुछ और करना चाहता था, मैं कुछ और कर रहा हूँ, यही एक स्त्री लिख देगी कि मैं कुछ और करना चाहती थी, मैं कुछ और कर रही हूँ, तो वो स्त्री कविता हो जाती है, वो स्त्री विमर्श से जुड़ जाती है। ये दिक्कत है कि हम पुरुष की जो कही हुई बात है उसको जेनरिक मानते हैं और स्त्री की कही हुई बात को हमेशा एक खांचे में रख देते हैं, तो वो समस्या तो बार बार आती ही है। और दूसरा कि उस वो सिर्फ खांचे में नहीं जाती, एक छोटा दायरा नहीं कहलाता, उसको एक नीश ग्रुप की तरह मान लिया जाता है, इसके साथ साथ उसको नकारात्मक वैल्यू की तरह देखा जाता है। आप में इतनी प्रतिभा है, आप क्यों स्त्री लेखन में बर्बाद कर रही हैं, आप क्यों फेमिनिज्म के लेखन में बर्बाद कर रही हैं, आप कितने सारे विषयों पर लिख सकती हैं। एक बार मैंने फेसबुक पर एक स्टेटस लगाया था, मैंने अपनी सारी फेमिनिज्म का, जो मेरे पास इतनी सारी अलमारियों में भरी किताबें हैं, मैंने उनको सब एक जगह रखा और वर्ल्ड बुक डे या ऐसा कुछ था, तो मैंने उनको सबको रखा और एक फोटो खींचा और लिखा कि पुस्तकें जिन्होंने मुझे बिगाड़ा। उसके नीचे कमेंट आया, कितना सीमित दायरा है आपका। मुझे ये लगा कि अगर मैं ज्योग्राफी की टीचर होती और मैंने सारी किताबें ज्योग्राफी की लगाई होती तो आप ये नहीं कहते, मैं हिस्ट्री पढ़ा रही होती या हिस्ट्री में काम कर रही होती और मैं सारी किताबें इतिहास की लगाती तो आप ये नहीं कहते, या बायोलॉजी या कोई भी विषय दुनिया का जिसे मैं जिसकी किताबें मैं सामने रखती, आप जिस विषय में विशेषज्ञ होते हैं उन किताबों को अपने रैक्स में रखते हैं तब आप ये नहीं कहते, लेकिन जैसे ही मैंने स्त्रीवाद से जुड़ी हुई सारी किताबें, दुनिया भर में इतनी सारी औरतों ने 150 साल में कितना कुछ लिखा है वो आप नहीं जानते, वो किस किस शाखा की तरफ निकल गया है आप नहीं जानते, लेकिन आपको लगता है कि वो सीमित दायरा है। ये वाली जो सोच है और समझ है कि जो स्त्रियां कह रही हैं वो एक छोटी बात है, वो एक छोटे दायरे की बात है, इस सोच को काउंटर करने के लिए ही ये किताब लिखी गई कि वो छोटा दायरा नहीं है। बहुत सारे आलोचक जो हैं हिंदी के वो इसी तरह से बड़े बड़े आराम से उन्होंने ऐसी बातें कह दी हैं, तारीफ करते हुए भी कहना चाहिए, बुराई करते हुए तो ठीक है, तारीफ करते हुए कहीं ना कहीं बात कह दी, जैसे मीरा की आप प्रशंसा कर रहे हैं कोई आलोचक, मीरा की तो खैर आलोचक मतलब उससे बच ही नहीं सकते उनके बारे में बात कहने से, जब आप मध्यकाल में बात करते हैं तो मीरा को बाईपास करके तो नहीं गुजर सकते हैं, और मीरा की आलोचना करते हुए भी आप कुछ नकारात्मक बात नहीं कहते हैं, तो जो आप तारीफ करते हैं, जैसे एक आलोचक का मैंने उदाहरण दिया है, वो लिखते हैं कि मीरा हिंदी की सर्वश्रेष्ठ परकिया नायिका है। परकिया नायिका टर्म थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जो अपने ही पति से प्रेम करती है वो स्वकीय नायिका है, ये सारा रीति काल का प्रपंच है, वो शब्द गड़े हुए हैं सारे, उसके गड़े हुए हैं, वो अलग अलग नायिकाओं में बांटता है स्त्रियों को, तो वो सामान्य नारियां नहीं है, वो नायिकाएं हैं जिन पर कवि लिख रहे हैं, और एक नायिका होती है परकिया जो अपने पति के अलावा किसी पुरुष से प्रेम कर रही है, तो उन्होंने कहा हिंदी में सर्वश्रेष्ठ परकिया नायिका मीरा है, और वो तारीफ कर रहे हैं,
और मुझे इसमें दिक्कत नहीं है कि वो परकिया नायिका कह रहे हैं, समस्या यहाँ है कि जब एक कवि को उसके कर्म से आप जुदा करके नायिका बना रहे हैं, नायिका मतलब जो किसी जिसके बारे में कोई लिख रहा है वो नायिका नहीं है, शी इज अ राइटर, वो लिख रही है, वो लेखक है, वो कवि है, तो आपने उसके कवि होने की पहचान को साइड में रखा, आपने उसको नायिका बना दिया, तो आप उन मध्यकालीन कवियों से कहाँ अलग हैं जो स्त्री को केवल नायिका के रूप में देख रहे हैं। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो आलोचक लगातार करते आए, जैसे मीरा के काव्य में उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी अपनी कहानी उनके शब्दों में खुद है, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका पूरा कैरेक्टर विद्रोही चरित्र बनता है एक व्यवस्था से, राजशाही से और दुनिया की परंपराएं जो स्त्रियों के लिए तय की गई हैं उन सबसे विद्रोह का उनका चरित्र बनता है, तो उस विद्रोह से कैसे डील करे आलोचक, तब फिर तरह तरह की कहानियां बनती हैं, वो तो अलौकिक स्त्री थी, वो सामान्य स्त्री थी ही नहीं, तो जैसे ही आप उस ये बात साबित कर देते हो कि वो सामान्य स्त्री नहीं थी, तो सामान्य स्त्री फिर वैसा बनने की सोचेगी मेरे, क्योंकि वो तो निराली है। फिर तरह तरह की कहानियां कि जब द्वारका से लोग ब्राह्मण आए और उनको ले जाना चाहते थे, चलिए वो कृष्ण की मूर्ति के पास पहुंची और वो गायब हो गई, केवल उनकी साड़ी लटकती रह गई, तो ये कहानियां बनने लगी। ये क्यों है, अलौकिकता क्यों जोड़ी गई उस चरित्र के साथ, ताकि आप उसके पूरे चरित्र में जो विद्रोह के अलग अलग तत्व हैं उनके बारे में आपको कहने से आप बच जाए, उनकी आलोचना करने से या उनके बारे में कुछ भी कहने से आप बच जाए। तो मीरा का विद्रोही कैरेक्टर एक तरफ गया, आपने उसको या तो अलौकिक स्त्री बना दिया और या फिर आपने उसको परकिया नायिका बना दिया। तो ये तमाम चीजें स्त्री लेखन के साथ मतलब ये सवाल खत्म नहीं हुए हैं, दिक्कत की बात यही है कि अब इतना सारा स्त्री लेखन आ गया है, बहुत सारी महिलाएं लिख रही हैं, जैसा आपने कहा ये कितनी खुशी की बात है कि हम स्त्री कवि कवियों को बुलाना चाहें तो हमारे पास एक नहीं कई नाम है, आज हम उनकी किताबें उनके साथ हमारे सामने, उनका लिखा हमारे सामने है और हम लिस्ट बनाए तो एक लंबी लिस्ट बनती मतलब है। इसके लिए कभी कभी मैंने सुना है औरत स्त्रियों की तो बाढ़ आ गई इस तरह के वाक्य सुने हैं, क्योंकि ये किताब सिर्फ एक शोधार्थी के तौर पे नहीं लिखी गई है, मैं साहित्य की इनसाइडर भी हूँ, तो ये इनसाइड स्टोरी भी है, और क्योंकि मैं साहित्य की शोधार्थी हूँ तो ये सवालों के जवाब एक शोधार्थी के जवाब भी हैं, एक कवि होने के नाते, एक लेखक होने के नाते भी हैं वो सारे जवाब, तो यहाँ मैं बहुत सारे एक पाठक के नाते भी हैं, मैंने अपने आप को पाठक की जगह पे भी रख के देखा है, और हिंदी की के लेखन की जो पाठिकाएं हैं, जो स्त्री पाठक हैं उनके ऊपर भी, उनको समझने के लिए भी कैसे हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर भी किताब में बात की गई है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि स्त्री पाठक हमारे पास नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे स्त्री पाठक नहीं हैं, सजग स्त्री पाठक नहीं हैं, तो स्त्रियां किसके लिए लिखेंगी, उनको उन्हीं पुरुषों के लिए लिखना पड़ेगा, पुरुष पाठकों के लिए, जिनके लिए पहले से ही पुरुषों का लिखा ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो किसी महानुभव के मुंह से निकली बात वो तो ज्ञान है, लेकिन कोई महिला उसी बात को लिख रही है तो उस बात को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो ये वाला जो हमारी संरचना है, सामाजिक संरचना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करती है कि स्त्री की बात केवल स्त्री की होके रह जाती है और जो पुरुष की बात है वो जेनरिक या पूरी दुनिया की बात मान ली जाती है। जी, थोड़ा सा और पीछे चलें वर्तमान से, अतीत की गलियों में यदि चलें तो बहुत ही एक भयावह परिदृश्य, मैंने कुछ पढ़ा भी इससे उसे भी एहसास होता है, तो कितना भयावह परिदृश्य था कि जब स्त्रियाँ नाम बदल कर लिखती थीं और परिवार में उनको बिल्कुल भी मंजूरी नहीं होती थी कि वो कुछ लिखें और कुछ इस तरह से उनका कहीं कुछ छपे, उसके बावजूद स्त्रियाँ लिखती रही हैं और कहीं ना कहीं परिवार से ही समय चुरा करके, रातों की नींद खराब कर करके वो लिखती रही हैं और इस तरह से आगे बढ़ती रही हैं। तो इतने जो अभी बात भी हुई, तो इतने अभी 70 साल बाद अनामिका जी को साहित्य अकेडमी से पुरस्कार मिला, तो क्या इतने वर्षों में कोई भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि किसी को इस लायक समझा जाता?
ये जो आपने शुरुआत जहाँ से की थी जो अंश पढ़ते हुए, मैं उनके बारे में बात करती हूँ पहले और फिर हाँ कुछ ऐसे उदाहरण भी बताइए कि कितनी कितनी मुश्किलों से उनका लेखन जो है वो सामने आया है और जो कितना दुख उन्होंने महसूस किया है कि हम लिख रहे हैं लेकिन फिर भी हम दुनिया के सामने नहीं है। बिल्कुल, जो चिट्ठी का हिस्सा आपने पढ़ा था कि आप मेरा नाम कवित्रियों की सूची से काट दीजिए क्योंकि मेरे पति को कल्पना लोक और कविता लोक ये सब पसंद नहीं है, उसका संदर्भ बताती हूँ। 60 के दशक के आसपास क्षेमचंद्र सुमन जी एक संकलन बना रहे थे आधुनिक कवित्रियों के प्रेम गीत। 1960 के आसपास का हिंदी या कहिए भारतीय समाज और उसमें स्त्री की क्या स्थिति है उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी, हम सब विद्वान हैं, परिचित हैं कि हमारे आज से मतलब 60 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। तो कवित्रियाँ लिख तो रही थी उस समय भी, आप इतिहास की किताबें खंगालेंगे तो बहुत से नाम आपको दिख जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा नाम जो उल्लेखनीय हो या जिसके बारे में मुख्यता से बात की गई हो ऐसे नाम नहीं आते। कितना लिखा तो हमारे लोकगीतों में बिल्कुल अनाम रह गया है और वो जो है ना सखी भाव से और मतलब कहीं पानी भरने जा रही है वहां पर एक दूसरे से उस तरह से पहुंचा है लोगों तक का और वो अनाम ही रह गया है बहुत सारा, इसीलिए लोकगीतों पर अलग से लिखा मैंने। तो क्षेमचंद्र सुमन ने कहा कि अपनी कविताएं हमको भेजिए, बहुत सी उन्होंने एक शर्त रखी थी कि आप कविताएं भेजेंगी तो उसके साथ अपनी एक फोटो और परिचय आपको भेजना है। तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, कविता छप जाए ये तो बहुत अच्छा लगेगा स्त्री को, लेकिन फोटो साथ में छप जाए और परिचय छप जाए तो आप जानते हैं कि स्त्रियों का परिचय उनके पति के परिचय के साथ जुड़ा है, फलां की पत्नी है, तो ये उनको बताना पड़ेगा। तो क्षेमचंद्र सुमन के पास ऐसे कई पत्र आए जिसमें महिलाओं ने अपनी कविताएं छापने से मना कर दिया कि हम नहीं, इन शर्तों के साथ हम अपनी कविताएं नहीं दे सकते। उसी में से एक खत इस महिला का है और ये क्षेमचंद्र सुमन ने खुद से अपनी भूमिका में, किताब की भूमिका में दिया है कि मैं इन लेखिकाओं के, इन कवियों की, इन कवित्रियों की कविताएं नहीं छाप सका क्योंकि इन्होंने ये चिट्ठी लिख के खुद मना कर दिया। और वो चिट्ठी लिखते वो पढ़ते हुए आप जब उस अंश को पढ़ रही थी आप सोच सकते हैं कि एक महिला के उस समय कितने आंसू बहे होंगे जब वो कह रही है कि मेरा नाम कवित्रियों की लिस्ट से काट दीजिए और मैंने अपनी सारी जो रचनाएं हैं वो नष्ट कर दी हैं। दूसरा उदाहरण मैं बताती हूँ आपको, अज्ञेय ने 3 सप्तक निकाले, तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक जी। तो एक सप्तक में गिरिजा कुमार माथुर, शकुंत माथुर उसमें शामिल हैं, इन तीनों सप्तकों में 2 ही कवित्रियाँ शामिल हैं, एक में शकुंत माथुर हैं। तो अजय जो थे उन्होंने कहा कि जो भी कवि इसमें छपेगा वो पहले एक आत्म वक्तव्य लिखेगा, तो हर कविता, हर कवि की कविता से पहले उसका एक आत्म वक्तव्य है छोटा सा। तो शकुंत माथुर ने उसमें लिखा कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कवि बनूंगी, मैंने जब अपनी कविताएं अपने पति को दिखाई तो वो हंसे। अब ये जो चीज है कि जब आप अपना लिखा हुआ सामने रखते हैं और आप पर कोई हंस देता है और वो बड़ा कवि है तो पहले ही आपके अंदर एक शंका पैदा हो जाती है, अपने अपने काम को लेके शंका। और ये जो दोनों कवित्रियों का मैं सामने रख रही हूँ, एक जो वो खत लिख रही हैं, एक शकुंत माथुर जो ये बता रही हैं कि जब मैंने सामने रखा तो वो और उनके मित्र हंसे, जैसे बच्चा कुछ अरे खेल रहा है, खेल उसके खेल पे आप हंसते हो कि देखो बड़ों की नकल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस तरह का बर्ताव। तो ये दूतरफा चुनौती थी लिखती हुई स्त्री के लिए, बाहर भी और घर में भी। बाहर आलोचना से उसको जूझना है जो स्त्री लेखन की आलोचना चल रही है और जो मापदंड उसके लिए तय किए जा रहे हैं कि वो क्या लिखे और क्या ना लिखे, उसके कंटेंट को नियंत्रित करने की बहुत कोशिशें होती हैं कि आप ये लिखें और ये ना लिखें। ममता जी ने भी जैसे अभी कहा था कि कुछ विषय हम लिखने से घबराते थे कि इनको करें या न लिखें, तो शिवानी ऐसे ही अपनी किताब में उसके प्रीफेस में लिखती हैं कि मैंने कई चीज़ें, करिए छिमा उनकी कहानी है उसके लिए वो लिखती हैं कि मैं बार बार लिखती थी और फाड़ देती थी, मुझे लगता था कि मैं ये लिखूं कि ना लिखूं, दुनिया कैसे देखेगी। तो अपने आप को लेके ये जो संशय थे ये किस वजह से पैदा हुए, क्योंकि घर में भी वही संरचना है और बाहर साहित्य में भी लगभग वही संरचना है जिससे आपको, तो दोनों तरफ आप लिखती हुई स्त्री दोनों तरफ जूझ रही थी और ये सारी स्थितियां उसके अंदर एक ऑथरशिप एंग्जाइटी पैदा करती हैं अपने लेखकत्व को लेके, अपनी ऑथरशिप को लेके, मैं लेखक हूं भी या नहीं हूं, मुझे स्वीकारा भी जाएगा या नहीं स्वीकारा जाएगा, मैं लिख दूंगी तो उसको कविता माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ऐसे तमाम सवाल। और फिर बहुत सारी चीजें तो अभी भी हो रही हैं, किसी महिला को पुरस्कार मिले तो टेढ़ी आंख, कोई महिला किसी पुरुष को पुरस्कार दे दे तो टेढ़ी आंख, मतलब
इतना हॉस्टाइल, इतना अपमानजनक वातावरण हम बना देते हैं अल्टीमेटली, इसने नहीं लिखा होगा, इसने लिखा होगा, एक उदाहरण और किसी और ने लिख करके दे दिया होगा। अभी में भी है, मध्यकाल का एक उदाहरण आपको देती हूँ, आलम और शेख का नाम मध्यकाल में आता है। शेख मुसलमान थी, रंगरेजिन थी, और आलम कवि थे, उनका प्रेम हो गया शेख से। उनके बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो जो इतिहास की किताबें हैं, जब हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरुआत में लिखा जा रहा था, तो कुछ किताबों में मिलता है कि आलम ब्राह्मण थे, शेख के प्रेम में पढ़कर फंसकर, ये शब्द आते हैं, फंसकर, शेख के प्रेम में फंसकर वो मुसलमान हो गए। तो ये शब्द बताता है कि आपका उसी के लिए क्या सोचना है। फिर वो लिखते हैं कि शेख के पास इतनी अच्छी भाषा थी, इतनी अच्छी भाषा थी कि मतलब हम हैरान होते हैं कि कैसे उनकी भाषा इतनी अच्छी हो गई थी। इस भूमिका को बनाने का मतलब ये कि आप कहना चाहते हैं कि आलम ने सिखाया था। चलिए ठीक है, दो साथी हैं तो एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, सिर्फ एक तरफ से नहीं सिखाता कोई, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है प्रेम में पढ़कर उन्होंने किताब के ऊपर शेख का नाम चिपका दिया कि ये शेख ने लिखा है। पूरा खत्म कर दिया। आपने उसका जो जिसकी बात में शुरुआत में करी थी, कर्ता भाव जो है स्त्री का, आप मानना ही नहीं चाहते कि वो लेखक, क्यों नहीं मानना चाहते कि वो लेखक थी, क्योंकि लेखक होना एक एक सत्ता होना है। कलम जब तोप मुकाबिल हो तो तलवार तो अखबार निकालो, तो वो जो कलम है, कलम की जो ताकत है वो उसके पास आ जाएगी जैसे ही आप उसका लेखक होना स्वीकार कर लोगे, आप उसके कवि होने को स्वीकार कर लोगे, तो उसके पास वो सत्ता आ जाएगी कि मैंने लिखा है। लिखे हुए शब्द की आप जानते हैं कि अपनी एक सत्ता होती है। तो ये तब भी था, ये सवाल आज भी है, क्योंकि हम बहुत सारी कृतियों को, कली कथा वो क्या है उपन्यास, कली कथा उसके लिए भी ये कहा गया, अलका सराबी के उस किताब के लिए भी, बहुत सारी कृतियां हैं जिनके लिए अभी भी ये कहा जाता है कि ये मध्यकाल के लिए भी कहा हिंदी के आलोचक ने कि उसने नहीं उसके पति ने लिखी होगी, उसके उसने नहीं उसके प्रेमी ने लिखी होगी, अलग अलग वजहों से। एक गिरिधर कवि राय आते हैं, उनकी पत्नी थी साईं, वो मर गए और उनका काव्य अधूरा छूट गया, तो साईं ने उसको पूरा कर दिया, उसके लिए कभी नहीं कहा जाता, कोई डाउट नहीं है उसके लिए कहा, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी पत्नी है, पति चला गया तो उसने उसकी किताब ली। तो मतलब इतना कभी कभी हंसी आती थी, कभी कभी रोना आता था पढ़ के कि ये सब क्या होता रहा अतीत में, किस तरह की बातें होती रही। अच्छा, क्या विदेशों में भी फिर इस तरह के उदाहरण मिलते हैं? बहुत सारे उदाहरण, अपना इस तरह से नाम छुपा करके लिखना पड़ा या उनके परिवार की तरफ से उन पर प्रतिबंध था? बिल्कुल। एक तो लेटेस्ट उदाहरण बताती हूँ, हैरी पॉटर सीरीज आप सब जानते होंगे, उसकी लेखिका जेके राउलिंग को भी आप सब जानते होंगे, लेकिन इनका शुरुआत में अपने प्रकाशक के साथ प्रबंध हुआ, एक अनुबंध हुआ था कि ये अपना जो नाम है वो नहीं बताएंगी कृति में, ऐसे लिखा जाएगा इनिशियल्स के साथ के ये ना पता चले कि लड़की ने लिखा है कि लड़के ने लिखा है, इनिशियल्स में लिखा जाए जेके राउलिंग, पता ही ना चले कि लड़की है कि, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका नॉवल तो ये बहुत अच्छा है हैरी पॉटर, ये तो बहुत मतलब धमाल कर देगा जो यंग जनरेशन के लड़के हैं, लेकिन लड़के जैसे ही देखेंगे कि ये एक महिला ने लिखा है वो किताब खरीदने नहीं आएंगे। तो मजबूरन जेके राउलिंग को ये करना पड़ा, उन्होंने इनिशियल्स रखे अपने, जेके राउलिंग रखा नाम, और ये इस तरह से आया। शार्लट ब्रॉन्टे, मतलब ब्रॉन्टे सिस्टर्स जो थी, उन्होंने भी ये बात कही कि हम घबराते थे इस बात से कि हमारे अपने नाम से हम जब लिखेंगे तो क्या उसे दुनिया स्वीकार करेगी। ये 19th सेंचुरी की तमाम ब्रिटिश जो उपन्यासकार थीं उन सब के साथ ये हुआ कि उन्होंने अपने नाम को या तो इनिशियल्स में रखा या छुपाने की कोशिश की कि जेंडर ना पता चले उस नाम से। एक पक्ष ये है इसका कि नाम छुपा के लिखना, दूसरा ये है कि क्योंकि आलोचक ऐसा करते हैं कि जहाँ पुरुष नाम का फायदा मिलता हो वहां कृति पे पुरुष नाम लगाना चाहेंगे, जैसे अभी आलम और शेख वाली बात कि ये शेख ने नहीं लिखा होगा और आलम ने अपना जो काव्य लिखा उस पे शेख का नाम प्रेम के चलते छिपका दिया। एक तो ये चीज जहां उनको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है या जहां उनको महसूस होगा कि इसमें नेगेटिव, उनके हिसाब से नेगेटिव क्वालिटीज हैं, तो वहां वो स्त्री का नाम चिपका देंगे। उसका एक उदाहरण केवल ये देती हूँ, सैमुअल बटलर ने एक होमर नाम के कवि थे, होमर का ओडिसी
और इलियट, ये दो बड़े प्रसिद्ध काव्य हैं। तो इलियट पे तो कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन ओडिसी को लेके उन्होंने कहा कि ओडिसी पर उन्होंने किताब लिखी, द ऑथरेस ऑफ ओडिसी। थोड़ी हैरानी की बात है, ओडिसी तो हुमन ने लिखा है, तो वो ऑथरेस क्यों कह रहे हैं, ओडिसी की लेखिका कह रहे हैं, और ये किताब उन्होंने लिखी, अनुवाद भी किया था उन्होंने उसका। और उसमें वो कहते हैं कि मैं मान नहीं सकता कि ये किसी पुरुष ने लिखा है, इसकी वजह सुनिए। वो वजह बताते हुए कहते हैं कि एक तो इसमें इसको पढ़ के लगता है कि इसका जो लेखक है वो कभी अपने गांव शहर के दायरे से बाहर निकला नहीं है। दूसरा, इलियड में तो युद्धों का वर्णन है, यहाँ युद्ध नहीं है, युद्धों का वर्णन पुरुष करेंगे, और अगर होमर ने ही लिखा होता तो यहाँ भी युद्ध होते नहीं है, अपने शहर से बाहर नहीं निकलने वाला कौन है, अपने घर के दायरे से शहर के दायरे से औरतें हैं। दूसरा, वो लिखते हैं कि नदी पर कपड़े धोने का वर्णन कुछ ज्यादा ही विस्तार में है। ये तो वो ही कर सकता है जो इस काम में माहिर हो। फिर वो लिखते हैं और भी बहुत छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं, तो मैं मान नहीं सकता कि ये किसी पुरुष ने, ये जरूर ऑथरिस है और ये लेखिका है। ये आप अब फेसबुक पर देख लीजिए, महिलाओं के नाम से कवि कितने सारे निकले हुए, फर्जी, ऐसी कितनी सारी आइडेंटिटीज हैं जिसमें आप महिला, आप क्योंकि आपको लगता है कि मैं महिला के नाम से कविता लिख के बड़ी जल्दी मैं पॉपुलर हो जाऊं। एक हंस में एक कविता, एक कहानी का छपा करती थी, उनके लिए कहा जाता है कि वो असल में कोई पुरुष है जो महिला के नाम का सहारा लेके लिखता है, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप खेल कर रहे हो, दरअसल फीमेल आइडेंटिटी के साथ, महिला लेखन की अस्मिता के साथ आप खेल कर रहे हो, जहां आपको लगता है सूटेबल है आपके लिए, आपकी सत्ता के लिए आप कह देते हो पुरुष ने करा है, आपकी सत्ता के लिए सूटेबल है तो आप कह देते हो स्त्री ने करा है। तो ये खेल जब होता है, तो बार बार मैं वो बात कहूंगी कि ऑथरशिप एंग्जाइटी और महिला के अंदर पैदा होती है, और एक होस्टाइल वातावरण बनता है स्त्री लेखन को लेकर। जी अच्छा, ये बताइए कि आलोचना में जो स्त्रियां हैं उनको कितना महत्व दिया गया है, और ये जो बांटने की जो बात होती है लेखन को, पुरुष लेखन स्त्री लेखन, तो मुझे तो लगता है कि लेखन को बांटा ही क्यों जाए, कि बहुत सारे खांचों में क्यों क्यों बांटा जाए, और लेखन लेखन ही हो। देखिए, सबके सब्जेक्टिव अनुभव होते हैं, जैसे मेरे पास जो अनुभव है वो, या एक काली स्त्री के जो अनुभव है वो मुझसे अलग होंगे, या जो एक स्त्री जो सेक्स वर्कर है उसके अनुभव बहुत अलग होंगे। तो सबके पास अपने कुछ सब्जेक्टिव अनुभव होते हैं, सबके पास अपना एक दायरा होता है जिनसे उनका कथ्य बनता है, जिससे उनकी भाषा बनती है, जिससे उनका अनुभव संसार बनता है, और जहाँ से उनके पास विषय आते हैं। तो जब हम, पहली बात, जब हम अलग नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि ये स्त्री लेखन है या ये दलित लेखन है या ये आदिवासी लेखन है, तो हम एक तो अन्याय करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सारा हमें, हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाए। एक तो ये अन्याय है कि आप उनके सब्जेक्टिव अनुभव को इसका मतलब महत्व नहीं दे रहे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत तब आती है जब आप उसको नीची निगाह से देखना शुरू करते हो, भाई कि स्त्री लेखन है तो अरे आप किसमें फंसी हैं, आप अपनी प्रतिभा यहाँ लगाइए ना, तो वो किस्म का, या आप दलित लेखन, सिर्फ दलित दलित वाला लेखन करेंगे तो आपकी मान्यता जो है वो कम हो जाएगी, आप मेन स्ट्रीम राइटिंग करिए ना। तो एक तो ये चीज, दूसरा आप जब अलग करके देखते हैं, ये जो स्त्री लेखन और पुरुष लेखन वाला जो मसला है, ये हमारा शुरू किया हुआ नहीं है। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों मित्र थी, एक ही स्कूल में पढ़ी, एक सीनियर थी एक जूनियर थी, उनके लेखन को लेकर हमेशा तुलनाएं होती रही, लेकिन आप उन तुलनाओं का जो पैटर्न है उसको देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की बिटिया सुधा चौहान उनके बारे में किताब लिखती हैं, और उस किताब में उन्होंने ये मेंशन किया कि घर में एक सज्जन आते थे, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, और उन्होंने कहा कि सुभद्रा कुमारी चौहान पहले गृहिणी है फिर कवि है, और महादेवी वर्मा पहले कवि है फिर गृहिणी है। आप ऐसा किसी पुरुष लेखक के लिए तो नहीं बोलते कि भाई सुमेश जी पहले घरेलू पुरुष है उसके बाद कवि। आइडेंटिटी में कवि की और एक पुरुष की आइडेंटिटी में कोई फर्क ही नहीं करते, या हम दो अलग पेंडुलम पे रख देते हैं, कवि होगी तो गृहिणी, गृहिणी तो कवि, ये क्या है? हम इसी के खिलाफ खड़े होकर ये कहते हैं कि देखिए, क्योंकि उनके अपने सब्जेक्टिव अनुभव हैं, हम किसी दलित अस्मिता
को जब जब वो सामने आती है, जब हम उसे पढ़ते हैं, तो इसलिए क्योंकि उसके कुछ सब्जेक्टिव अनुभव हैं। तो उन सब्जेक्टिव अनुभवों को, यानी ये छोटे छोटे नैरेटिव्स हैं, छोटे छोटे आख्यान हैं, जब तक इन छोटे आख्यानों को नहीं जोड़ेंगे एक बड़ा आख्यान बन नहीं सकता। और दिक्कत वही होती है कि जैसे रामचंद्र शुक्ल जो इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं उसमें यही सब छूट जाता है। वो मिश्र बंधुओं का मजाक भी उड़ाते हैं कि उन्होंने 1500 पेजों में देखिए हिंदी साहित्य का, ये कोई इतिहास है, उन्होंने सब कुछ डाल दिया। लेकिन मिश्र बंधु जो कह रहे थे वो भी बात बड़ी जरूरी थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ मुख्य को चुन लेने से इतिहास की पूरी शक्ल नहीं बनेगी। क्या बात, क्या बात। और शुक्ल जी कह रहे थे हमको संपूर्ण सामने रखना है, लेकिन सर्वांग के बिना संपूर्ण हो कैसे सकता है? संपूर्ण तो तभी बनेगा जब आप उसके सारे अंगों और सारे हिस्सों पर बात कर सकते होंगे। तो वही हुआ, उन्होंने एक संपूर्ण सामने रखने की कोशिश की और संपूर्ण के आग्रह में उन्होंने केवल मुख्य चीजें उठा ली। और उन्होंने मीरा पे बात करने से वो कतराए, या वो कहते हैं प्रेमचंद पे बात करने से कतराए, या उन्होंने मान लिया कि एक ही कवि है जो जिसके पैरामीटर को सामने रखना चाहिए, तुलसीदास को। या तो वो तमाम दिक्कतें हमारे इतिहास लेखन के साथ हैं, हिंदी की आलोचना के साथ हैं। और अभी फिलहाल तो ये आलोचना का जो एक गढ़ है, मुझे लगता है आलोचना बची नहीं है। तो में आलोचना जैसी कोई सत्ता बची नहीं है। बहुत तेजी से समय जो है ना निकलता जा रहा है, और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने प्रश्न रोकती हूँ, और मैं चाहती हूँ ऑडियंस से यदि कोई कुछ पूछना चाहता है, क्योंकि समय लगभग होने ही वाला है। मैं पूछना चाहूंगा, तो मुझे इशारा भी मिल गया है। सुजाता मैम, बहुत सुंदर आलोचना, और उसका कारण भी आपने बताया। आपकी कविताओं में भी मैं देखता हूँ, जो मुझे एक कविता काफ़ी प्रभावित किया जिसने औसत औरत मैंने जब पढ़ी थी, तो मुझे इस आलोचना पक्ष में भी उसकी छाप नज़र आई। और उसमें जो शुरू होता है, मैं बाकी श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूँगा, पूरी कविता तो नहीं, कुछ पंक्तियाँ। तुम्हें चाहिए एक औसत औरत, न कम न ज़्यादा, बिल्कुल नमक की तरह। उसके जबान हो, उसके दिल भी हो, उसके सपने भी हों, उसके मत भी हों, मतभेद भी हों, उसके दिमाग हों, ताकि वह पढ़ सके तुम्हें और सराहे। आखिरी पंक्तियां जो हैं, जो ध्यान देने लायक हैं, तुम हंस सकोगे इसलिए उसके भावनाएं भी होंगी, आंसू भी, वह रो सकेगी तुम्हारी उपेक्षा पर। तुम हंस सकोगे, अभी जो चर्चा की, तुम हंस सकोगे उसकी नादानी पर कि कितना भी कोशिश करे औरत औसत से ऊपर उठने की, औरतपन नहीं छूटेगा उससे। तुम्हारा सुख एक मुकम्मल सुख होगा, ठीक उस समय तुम्हारी सच्ची जीत होगी जब एक औसत औरत में तुम गढ़ लोगे अपनी औरत। मैम, मुझे लगता है कि बहुत तालमेल है इस पुस्तक में और इस कविता में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये मेरी बहुत शुरुआती कविताओं में से है, और जैसे मैंने कहा कि ये पिछले 7-8 सालों से किताब मेरे दिमाग में चल रही थी, तो वो पूरा वातावरण, वो सारे सवाल, वो प्रश्न, वो सारे अनुभव आपको बिखरे हुए कभी कविता में दिखाई देंगे, कभी उपन्यास में दिखाई देंगे। चीज़ वही है जो हम सब जगह कहने की अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग विधाओं में कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको आलोचना की किताब में, मतलब अगर मैं कहूँ कि पिछले 7-8 सालों में मैंने जो भी लिखा उसका सबसे मजबूत वैचारिक कोई जमीन है तो ये है। और ये रिफ्लेक्ट होगा बार बार। जैसे अभी पंडिता रमाबाई की जीवनी मैंने पूरी की है, और वो जो आपने शुरू में जो हिस्सा पढ़ा था, नारी नरक का द्वार कौन है, स्त्री है, वो जो प्रश्न उत्तर आपने पढ़े थे, वो पंडिता रमाबाई का बताया हुआ है। पंडिता रमाबाई ने उसको कोट किया है उनके जमाने की। पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था 1858 में, और जिस समय वो सक्रिय होती हैं वो 1880 के 78 से 80 के आसपास उनको पंडिता का टाइटल मिलता है, सरस्वती का टाइटल मिलता है, और वो मनुस्मृति की आलोचना करती हैं। और अपने समय की जो पत्रिकाएं जिसमें पुरुष लोग लिख रहे थे उसमें से उन्होंने ये पंक्तियां निकाली कि देखिए आप हमारे बारे में ये लिख रहे हैं, तो आपने कभी माना ही नहीं कि स्त्रियां पाठक होंगी। जैसे शुक्ल जी भी एक जगह जब वो रस सिद्धांत लिखते हैं तो रस सिद्धांत में कहते हैं कि रस की निष्पत्ति तभी होगी जब स्त्री इस पैमाने पर खूबसूरत होगी। तो इसका मतलब दलित स्त्री के साथ तो प्रेमी नहीं हो सकता, या आदिवासी स्त्री के साथ नहीं हो सकता,
या जिसका जिसका रंग दैहिकता वैसी नहीं है, जो उन पैमानों पे खरी नहीं उतरती, वहाँ रस निष्पत्ति नहीं होगी। तो इन चीज़ों को आज परखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शायद इन लोगों ने कभी सोचा नहीं लिखते हुए कि कभी इनकी पाठक स्त्रियाँ होंगी, और जब वो ये पढ़ेंगी तो उनको कैसा लगेगा। तो वो मनुस्मृति में से भी उदाहरण देती है पंडिता रमाबाई बार बार कि ये देखिए ये हमारे बारे में मुझे बहुत बुरा लगता है, ये रमाबाई ही लिखती हैं कि मुझे कितना ख़राब लगता है कि हमारे बारे में ये लिखा गया है कि ये किसी के भी साथ सो सकती है। स्त्री का कोई स्वभाव जो होता है वो बहुत चंचल होता है, इसकी कोई कोई कैरेक्टर नहीं होता, ये किसी भी चीज़ से इसको प्रलोभन मिल सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जब स्त्री पाठक ने पढ़ी तो समझ में आया कि ये जो जो हम बात कर रहे थे ना कि स्त्री लेखन क्या है, पुरुष लेखन क्या है, वो होना ही था। सुजाता जी ये बताइए कि अब चलिए आपने ये पुस्तक लिखी है, कुछ तो हलचलें होंगी, आलोचना हो या जो भी हो, ये परिदृश्य कभी सर हिंदी में हलचल इतना बंद हो गई है, कब तक बदलने की संभावना हो सकती है, भविष्य क्या लगता है, कभी कोई ये परिदृश्य बदलेगा आलोचना का? बदलेगा, बदलना तो चाहिए, और बहुत सारी आहटें मिल भी रही हैं बदलने की, क्योंकि एक एक भाई सा दिखता है जब जैसे मैं कह रही थी ना कि महिलाओं की तो बाढ़ आ गई है, एक नाम लो और 10 कवित्रियों का नाम सामने आ जाएगा, तो वो उस तरह की बातें या एक मजबूरी कि आप जब आलोचना की किताब लिखते हैं तो आप 11 चैप्टर लिखते हैं, 10 चैप्टर तो आप बाकी चीज़ों पर लिखते हैं, 11वां आप स्त्री लेखन पर दे देते हैं, चलो, तो वो भर्ती का काम, ये भी मजबूरी है एक तरह की। या मीरा की आलोचना करते हुए एक लेखक मीरा की बात करते हुए स्त्री विमर्श पे चले आते हैं, और ये कहते हैं, लिखते हैं इस बात को, ये साहित्य अकादमी से छपी हुई जो पतली पतली किताबें नहीं आती हैं हिंदी के साहित्य निर्माता, उसमें वो किताब है, वो कहते हैं कि मुझे स्त्री विमर्श पे बात करनी पड़ रही है। अभी जो पढ़ रही है ये वाली मजबूरी बदलाव है। आप उससे कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपको पढ़ रही है। आप जब 4 कवि बिठाते हैं तो मजबूरी में ही आपको 5वीं एक महिला को बुलाना पड़ता है। जब करनी ही पड़ेगी तब लगेगा आलोचना। जी सवाल मेरा जी, आपने जब अपने वक्तव्य में जितना भी आपने बताया तो सीधा सीधे पुरुषों पे प्रश्न उठता है कि वो स्त्री को कैसे समझते हैं। मेरे जानने में एक गलती से एक महिला टकरा गई थी, और वो बतौर अपने आपको लेखिका बताती है, कभी बताती है, वो एक दिन ऐसी बातें कर रही थी कि कहती है कि पुराने जमाने में सिर्फ लड़कियों को लिखा गया, लड़कों पे कुछ लिखा ही नहीं गया, क्या दर्द लड़के नहीं झेलते, क्या समस्याएं लड़कों की नहीं होती। तो मतलब इस पे आपकी क्या राय होगी कि क्या ये नारीवाद से संबंधित है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और ये नहीं पूछते तो शायद आज की बातचीत ही बिल्कुल अधूरी रह जाती। ठीक है, तो इसके लिए तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बात, ये वाला एंगल बताए बिना मैं उठ जाती हूँ यहाँ से, बाद में मुझे सूचता की, अरे ये तो बहुत गलत हुआ, ये वाली बात नहीं हो पाई। अंग्रेजी की एक आलोचक है एलन शोवाल्टर, वो इस बात के लिए कहती हैं ये बाईटेक्सचुअलिटी है लेखन में, स्त्री के लेखन में ही ये बाईटेक्सचुअलिटी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पितृसत्ता की वजह से भरी हुई, और एक स्वर अंदर से स्त्री वाला भी निकलता है उसका जो अपना ओरिजिनल है, उनमें टकराहट रहती है, और उसके साहित्य में कई बार ये बाइटेक्चुअलिटी आपको दिखाई देगी, कभी वो पितृसत्तात्मक जो स्वर है वो गूंज रहा होता है, कभी उसका अपना जो स्त्री स्वर होता है वो गूंज रहा होता है, तो ये आपको बाइटेक्चुअलिटी उनमें दिखाई देगी इस वजह से, क्योंकि वो एक पितृसत्तात्मक समाज में रहती है, और समाज पितृसत्तात्मक है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो हम जो बातें मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आप मुझे ले जाएंगी, अब आपका सवाल कि हम पुरुषों के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि पुरुषों ने ये गलती की है, पुरुष आलोचकों ने की है, लेकिन जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि ये दरअसल पितृसत्तात्मक है, और ये महिलाओं के अंदर भी है, पुरुषों के अंदर भी है। आपको कहा गया कि आप ऐसी कविता लिखेंगी, आपने तुरंत मान लिया, जैसे किताब में एक पुरुष अनुमोदन वाली बात है कि स्त्री कवियों को पुरुषों के अनुमोदन, पुरुष आलोचकों के अनुमोदन से उनकी स्वीकृति, अप्रूवल मत तलाशिए, वो अप्रूवल तलाशती हैं और उस अप्रूवल को महत्वपूर्ण मानती हैं कि सर जी ने कह दिया अब मेरी कविता बहुत अच्छी है, उनके अंदर भी ये चीज़ है।
दूसरी बात ये कि हम बार बार सिर्फ पितृसत्ता की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं संरचना की, वो संरचना पितृसत्तात्मक है, और क्योंकि संरचना पितृसत्तात्मक है इसीलिए पुरुषों को फायदा मिलता है, अपने आप मिलता है, आप चाहें या ना चाहें आपको फायदा मिलता है। तो यहाँ दूसरी चीज ये है कि दलित लेखक भी शामिल है उसमें, सिर्फ स्त्री लेखन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बार बार आदिवासी लेखन और दलित लेखन की भी बात कर रही हूँ, या और डाइवर्स अस्मिताएं जो हैं वो भी इसकी शिकार हैं। ऐसा थोड़ी है कि आलोचना इनको बड़े आराम से उन्होंने ले लिया साहित्य में, आदिवासी लेखन को या दलित लेखन को बहुत आराम से हिंदी साहित्य में नहीं लिया गया। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि हिंदी की आलोचना स्त्री लेखन को लेकर गलत मापदंडों को लेकर चलती रही, तो उसके साथ ये भी शामिल है कि वो दलित लेखन को या आदिवासी लेखन को लेकर भी इसी तरह के बायस्ड पूर्वाग्रह वाले अंदाज में चलती रही। तो असल में समस्या है एक सवर्ण पितृसत्तात्मक संरचना वाली, जिसको हमको बार बार टारगेट करना है, उसी की हम आलोचना कर रहे हैं। तो ये सिर्फ स्त्री पुरुष, स्त्री वर्सेस पुरुष वाला सवाल है ही नहीं, औरत और मर्द की आपसी कोई टकराहट नहीं है ये निजी, ये हमारी, ये व्यक्ति वर्सेस व्यवस्था की बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आई और इस किताब पर चर्चा हुई और बहुत सारी बातें निकल करके आई, और बहुत कुछ अभी ये जो बदलाव जो है वो बहुत कुछ धीरे धीरे इसी तरह से होगा, एक लंबा संघर्ष स्त्रियों ने किया है तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आज हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठ करके बात कर रहे हैं, और इसके आगे अभी हमको बहुत दूर जाना है और बहुत एक लंबा संघर्ष भी साथ साथ करते रहना है। तो बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ। हाँ, और एक बात मैं जो बोलते हुए उस समय बोल गई थी कि चित्रा जी ने समलैंगिकता पर, वो उनकी किताब वो किन्नरों पर है, तो मैं ये भी यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।